हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये देखिए बहुत ही प्यारा हिबिस्कस फ्लावर खिला है। और ये जो विंटर टाइम है, इस टाइम ये हिबिस्कस जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करना स्टार्ट करते हैं। और मैंने तो सारे ही हिबिस्कस में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन अभी क्या है, हमें जो हिबिस्कस प्लांट है उनको अच्छे से फर्टिलाइज करना भी ज़रूरी है। तो हिबिस्कस एक हेवी फीडर प्लांट होता है और ये कंटिन्यूस फ्लावरिंग करता ही रहता है। तो हिबिस्कस को अच्छी फ्लावरिंग के लिए जो जो फर्टिलाइज़र चाहिए वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें फ्रेंड्स। तो फर्टिलाइज़र देना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट में डिफिशियंसी पैदा हो जाती है। और ये मेरे प्लांट में भी डिफिशियंसी है ऑलरेडी, तो मुझे इसे ठीक करना भी पड़ेगा। तो इसके लिए और मेरे प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र देना है। और अभी जो प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है इसके लिए भी फर्टिलाइज़र देना होगा। तो मुझे इस प्लांट में जो जो फर्टिलाइज़र देना होगा, ये देखिए, पहले तो मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी ज़रूरी है। अगर मिट्टी गीली है तो इस मिट्टी में फर्टिलाइज़र बिल्कुल नहीं देना है। तो पहले मिट्टी के अच्छे से गुड़ाई करना ज़रूरी है। और अगर पॉट में वीड है तो उनको भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो मैंने जो जो फर्टिलाइज़र लिया है तो वो आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए, मेरे प्लांट में पूरा ही कली से भरा हुआ है, लेकिन अच्छे से खिलने के लिए इनको फर्टिलाइज़र करना ज़रूरी है। तो पहले हमारे प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइज़र देना होगा वो है वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, और इसके जगह आप गाय के जो गोबर का खाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक साल पुराना होना चाहिए। और वर्मी कंपोस्ट केचुए से बना खाद होता है, इससे हमारे प्लांट में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ही अच्छे से प्लांट को मिलती है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। और ये देखिए, मैंने यहाँ 4 कप वर्मी कंपोस्ट लिया है। तो अगर नीम खली है आपके पास तो नीम खली भी दीजिए, फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं वर्मी कंपोस्ट दे रही हूँ। और ये देखिए, ये है सीवीड ग्रेन्यूल्स, इसको और दूसरे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ मिलाकर बनाया गया है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो जो ब्लैक कलर का सीवीड ग्रेन्यूल्स आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के लिए, इसमें बहुत सारे प्लांट के जो ज़रूरत है ये पूरा करता है। और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से होती है, क्योंकि इस प्लांट में जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं इनको पूरा करने के बाद ही प्लांट फ्लावरिंग अच्छे से करता है। और ये देखिए, एक है स्वर्ण मोती, आप इस ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक रूट स्टिमुलेटर है, इसको ह्यूमिक एसिड बोलते हैं। तो आपको और भी दूसरे कंपनी का मिल जाएगा, आप दे सकते हैं। ये क्या करता है, हमारे मिट्टी में जो गुणकारी बैक्टीरिया होते हैं इसको ये इंक्रीज करता है। तो इसका काम ये है कि ये मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और रूट को स्टिमुलेट करके रूट को ऐसे तैयार करता है जिससे हमारा रूट जो जितने भी तरह के फर्टिलाइज़र हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनको एब्जॉर्ब कर सके और प्लांट में पहुंचा सके। तो ये एक तरह का फर्टिलाइज़र बोल सकते हैं। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ताकि प्लांट की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो। तो प्लांट अगर अच्छे से जो फर्टिलाइज़र है उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा तो अच्छे से इसके ग्रोथ भी होगी, फ्लावरिंग भी अच्छे से होगी। तो इसको महीने में एक बार देना ज़रूरी है, बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ह्यूमिक एसिड बोला जाता है, और ये हमारे सभी प्लांट में आप दे सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है प्लांट के लिए। अगर प्लांट के रूट सिस्टम हेल्दी होंगे तभी किसी प्लांट अच्छे से
हेल्दी ग्रोथ होगी और इसके फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया होगी। तो ये विंटर टाइम है और विंटर टाइम में अगर प्लांट के अच्छे तरह से फर्टिलाइज़र दिया जाता है और अच्छे से देखभाल की जाती है तो प्लांट की ग्रोथ में कभी कमी नहीं आएगी। और अगर प्लांट की जो इम्यून सिस्टम है स्ट्रॉन्ग होगी तो इसमें कभी भी कोई पेस्ट का अटैक भी नहीं होगा और प्लांट में बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। तो मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को थोड़ा हटा देना है और पॉट के साइड साइड में ही फर्टिलाइज़र देना है, बिल्कुल मेन स्टेम के पास नहीं देना है, नहीं तो मेन स्टेम ख़राब हो सकती है या गल सकती है। और फर्टिलाइज़र देने के बाद फिर से मिट्टी से ढक देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये वर्मी कंपोस्ट हो या किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र हो ऐसे खुला रख दिया तो इसमें फंगस का अटैक हो सकता है, प्लांट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए मिट्टी से ढक देना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं हमेशा कहती हूँ पॉट में जब भी फर्टिलाइज़र देना हो पॉट की मिट्टी ज़रूर ड्राई कर लेना ज़रूरी है। गीली मिट्टी में कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता, और कभी भी अगर पॉट की मिट्टी पूरी तरह ना सूखी हो तब पॉट में पानी भी बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो हिबिस्कस में ज़्यादा पानी से भी प्रॉब्लम होता है और ये विंटर टाइम में धूप थोड़ी हल्की हो जाती है, तो पॉट में जब भी पानी देना हो मिट्टी को चेक करके ही पानी देना है, नहीं तो पॉट में बहुत जल्दी फंगस लग सकती है। और 15 डेज में एक बार पॉट में ज़रूर फंगिसाइड का यूज़ करना है और प्लांट के ऊपर भी स्प्रे करना है। तो मैंने आज जो जो फर्टिलाइज़र बताया है, वर्मी कंपोस्ट, ह्यूमिक एसिड और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं सीवीड ग्रेन्यूल्स, इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये आप सभी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट हो या जो वेजिटेबल प्लांट्स हो, इन सभी में यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो इसके बाद पॉट में पानी दे देना है और पॉट में जितना पानी चाहिए उतना ही देना है। तो पॉट के नीचे से बार बार पानी निकलना ज़रूरी नहीं है, अगर बार बार पॉट के नीचे से पानी निकलता रहेगा तो पॉट में जो न्यूट्रिशन दिया है, फर्टिलाइज़र दिया है, वो भी पानी के साथ बाहर निकलता जाएगा। तो ऐसा बार बार नहीं करना है, अगर 15 डेज में एक बार करें तो अच्छा है। और मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।